नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में अगर आप लोग भी चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो 2023 में चार धाम यात्रा किस प्रकार से करते हैं। साथ ही में चार धाम यात्रा करने के लिए आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चार धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद से किस प्रकार से करते हैं। अगर आप लोग भी अपने फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। 2022 ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रतिक्रिया में था, लेकिन 2023 में चार धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर टोटली ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप लोग जब भी चार धाम यात्रा के लिए जाएं 2023 में तो आप लोग अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अवश्य जाइएगा। सो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपनी यात्रा के वक्त ले जाने पड़ेंगे और कौन कैंडिडेट यहां पर यात्रा कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। उम्मीद पूरी करते हैं अगर आप लोग भी ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे आप लोग भी चार धाम यात्रा का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, साथ ही में ये भी जान पाएंगे कि कौन कैंडिडेट यहां पर यात्रा कर सकता है कौन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो हजार तेईस में अगर आप लोग भी चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो चार धाम यात्रा करते वक्त आपके पास यात्रा रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, साथ ही में यात्रा रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यात्रा करते वक्त आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 में श्री बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन, पहले दर्शन कब से स्टार्ट होंगे, श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कब से स्टार्ट होंगे और साथ ही में कौन कैंडिडेट जा सकता है कौन नहीं जा सकता है चार धाम यात्रा के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर पूरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिख रखी है जो कि जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रा करते वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट का यहाँ पर आधार कार्ड का होना कंपलसरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और यदि आपके पास आधार और वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये तीन आईडी कार्ड वैलिड है, इन्हीं तीन आईडी कार्ड के माध्यम से आप लोग यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर चार धाम यात्रा करने के लिए आपके पास चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। 2022 में ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रतिक्रिया में था, लेकिन 2023 में इसे पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। और जब भी आप लोग चार धाम यात्रा के लिए प्लान करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद से घर बैठे घर से ही करके जाइएगा, तभी आपको यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही में आप लोग भी बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को बता दें 2022 में कि चार धाम यात्रा करते वक्त आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, लेकिन 2023 में अभी तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन कोरोना के हालात थोड़े बिगड़ते हैं तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर कोई अपडेट नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये करिएगा, आप लोग अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो उसका आप लोग एक प्रिंट आउट जरूर निकलवाइएगा। अब बात करेंगे श्री बाबा केदारनाथ धाम के, अगर आप लोग भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बता दें दर्शन आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं वो दोस्तों यहां पर 25 अप्रैल 2023 से पहले दर्शन स्टार्ट हो रहे हैं। टाइम आप लोग देख सकते हैं 6:20 पे कपाट खुल जाएंगे, सभी यात्री लोग अपने दर्शन कर सकते हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप लोग श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर पहले दर्शन कर सकते हैं 27 अप्रैल 2023 से। टाइम भी आप लोग देख सकते हैं 7:10 से दर्शन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि चार धाम यात्रा कौन कैंडिडेट कर सकता है कौन कैंडिडेट नहीं कर सकता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर गर्भवती महिलाएं चार धाम यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर देखिएगा उनके जो भी शिशु है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है वो लोग भी यहाँ पर चार धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं, और कोई ऐसा सदस्य जिनकी उम्र यहाँ पर 65 वर्ष या फिर इससे अधिक है वो लोग भी यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। 2023 में चार धाम यात्रा खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने पीसी लैपटॉप, यदि आप लोग फोन से ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज कीजिएगा और आप लोग डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा जहां पर आप लोग देख सकते हैं चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं आपको अपना फुल नाम देना है, यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर,
यहाँ पर आप लोग किसके माध्यम से जा रहे हैं, अगर आपका कोई टूर ऑपरेटर है तो आप टूर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, यदि आप लोगों का इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और यदि आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप लोग फैमिली को सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों के रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन टूर ऑपरेटर में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको टूर कंपनी का नाम और जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना फुल नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि 6 अंकों का होना चाहिए, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद, साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं। हालांकि मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है तो मैं ओटीपी यहाँ पर फिलअप करूंगा जो कि 6 अंकों का होगा और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूंगा। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहां पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो यहाँ पर रीलोड हो चुका है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो कैप्चा दिख रहा है इसे फिलअप करेंगे और साइन इन करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फैमिली अकाउंट ओपन किया है और उसके बाद हमारे सामने दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला यहाँ पर देखने को मिल रहा है यात्रा योजना बनाएं, उसके बाद यात्रा पंजीकरण करें। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर यात्रा की योजना बनानी है, तो यात्रा योजना बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं प्लान योर टूर। तो यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड न्यू टूर, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और प्लान योर टूर में आने के बाद यहाँ पर पहले नंबर पे आपको चार धाम देखने को मिल रहा है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया होगा। और यहाँ पर आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन की डेट को सिलेक्ट करना है। आप लोगों को बता दें फर्स्ट जो यात्रा है वो यहाँ पर 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे 25 अप्रैल यहाँ पे चॉइस कीजिएगा कि आप 25 अप्रैल से यात्रा करेंगे। हमने यहाँ पे 25 अप्रैल सिलेक्ट कर लिया और दूसरी ले ली है डेट यहाँ पर 30 अप्रैल। तो हमने ये दोनों डेटे को सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारी जो डेट है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप लोगों को बता दें जो भी यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो स्लॉट यहाँ पर ग्रीन कलर की आपको देखने को मिल रही हैं और जो स्लॉट रेड आ रही हैं वो यहाँ पर स्लॉट बुक हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रैल को यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन ओपन है और यहाँ पर 26 अप्रैल के लिए भी केदारनाथ के दर्शन ओपन है और 27 में आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ बाबा दोनों के दर्शन है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाकी और यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन अभी बंद है, हेमकुंड साहिब के भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी बंद है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्लॉट देखने के बाद ही अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। हालांकि मेरी जो भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट की है उनमें यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। और स्लॉट अवेलेबल होने के बाद हमें यहाँ पर टूर का कितना डालना है, जैसे कि हमारे साथ कितने लोग जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं। और 2 डालने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसके माध्यम से जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं या फिर बाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हैं या फिर बाई वॉकिंग में जा रहे हैं, जिसमें आप जा रहे हैं वो अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, हम बाई रोड डाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना टूर सिलेक्ट करना है, तो हम पहले नंबर पे केदारनाथ सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर डेट देख सकते हैं हमारे सामने ग्रीन है, हमारी स्लॉट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर स्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्लॉट और ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बद्रीनाथ को भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो दर्शन है वो 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 27 इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये सारी डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेव का, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो टूर है वो यहाँ पे सक्सेसफुल ऐड हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से लैंग्वेज च्वाइस कर सकते हैं, हिंदी में भी इसे फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, आपकी एज कितनी है ये आपको यहाँ पर लिखना है, आप मेल हैं फीमेल ये आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है।
साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है, आप लोग किस कंट्री से हैं वो कंट्री का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपनी सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर कौन से स्टेट के निवासी हैं आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, जो भी आपके इमरजेंसी जो भी आपकी फैमिली में रहते हो जो कि यात्रा करते वक्त आपके साथ ना हो, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका आपसे क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसा कि फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में ये कोई नहीं है, ये सारे यात्रा के साथ हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड पड़ोसी का भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, यदि आप एक डॉक्टर हैं तो इस वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसके माध्यम से जा रहे हैं, तो यहाँ पे बस के माध्यम से जा रहे हैं या फिर मिनी बस, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कार या फिर टैक्सी जिसके भी माध्यम से जा रहे हैं, या फिर आप लोग टू व्हीलर के माध्यम से जा रहे हैं, तो जैसे भी जा रहे हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लोग इन गाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ड्राइवर का नाम क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पर आना होगा और आपका जहां भी फोटो है उसे आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। और यदि आप लोग डायरेक्ट अपना फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर क्लिक करके अपना कैमरे के माध्यम से अपना फोटो डायरेक्ट खींच के अपलोड कर सकते हैं सेल्फी की तरह। तो फाइनली मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया है। फोटो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, हमें यहाँ पर एक आईडी कार्ड लगाना है, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे आधार लगा रहे हैं। आधार को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको अपना आधार सेलेक्ट करना है। आपका आधार अपलोड हो चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड ऐड मोर, यदि आपके साथ में और भी कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका दोस्त वगैरह है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टूर सबमिट करने के बाद आपका जो भी टूर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। और टूर सेव होने के बाद आप लोग को फिर से आना होगा उसी डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड मैनेज, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर लिखा यात्री पंजीकृत करें, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यात्रा पंजीकरण पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का, आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी कुछ गलत है तो आप लोग यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। हालांकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद हमारा जो यात्रा डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद हमारी जो यात्रा रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम इस पे क्लिक करके ओपन करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन लेटर आ चुका है। साथ में देख सकते हैं ये 2 पेज का है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी तरह से बाबा केदारनाथ यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फैन के साथ जरूर शेयर करो जो भी चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं 2023 में। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।